Hey guys, welcome back again to our town Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नंबर 1, फिल्म डंकी की रिलीज का शाहरुख खान के फैंस दिल थाम कर इंतजार कर रहे हैं। पठान और जवान की धमाकेदार सक्सेस देखने के बाद माना जा रहा है कि डंकी भी सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। फिल्म 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म डंकी के गाने पर क्रिस गेल का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में क्रिस गेल डंकी के गाने लुटपुट गया पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिकेटर गाने में शाहरुख खान के जरिए किए गए स्टेप्स को अच्छे से कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर जब शाहरुख खान की नजर पड़ी तो वो खुद को रिप्लाई करने से रोक नहीं पाए। देखिए शाहरुख खान ने क्या कुछ कहा। नंबर 2, शाहरुख खान ने अपनी फिल्म डंकी की रिलीज से पहले शिरडी में साईं बाबा के दर्शन किए। शाहरुख खान के साथ उनकी बिटिया सुहाना खान भी नजर आई। मैं आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान शिरडी में साईं बाबा मंदिर पहुंचे हैं। शाहरुख खान के साथ उनके बॉडीगार्ड और मैनेजर भी नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहरुख खान ने मंदिर के स्टाफ से बातचीत भी की है। शाहरुख खान ने टी शर्ट के ऊपर हुडी डाल रखी है, वहीं सुहाना खान सलवार सूट पहने हुए नजर आ रही है। नंबर 3, बॉलीवुड स्टार वरुण धवन की अपकमिंग मूवी थैरी रीमेक में एक जबरदस्त स्टार की एंट्री हो गई थी। खबर है कि 90 के दशक का ये सितारा मूवी में मेन विलन का किरदार निभाने वाला है। एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में खबर आई है कि फिल्म स्टार वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म में जैकी श्रॉफ मेन विलन का किरदार निभाने वाले हैं। पिपिंग मून की एक रिपोर्ट के मुताबिक जैकी श्रॉफ ने अपने हिस्से की कुछ शूटिंग पहले ही पूरी कर ली है, जबकि बाकी हिस्से की शूटिंग फिल्म स्टार नए साल में शुरू करेंगे। जैकी श्रॉफ हाल ही में तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर मूवी जेलर में नजर आए थे, जिसमें फिल्म स्टार का महज कुछ ही मिनटों का किरदार था। नंबर 4, शाहरुख खान स्टारर फिल्म डंकी 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। शाहरुख खान की इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, फाइनली इसकी डेट सामने आ गई है। पिंक विल्ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शाहरुख खान की फिल्म डंकी एडवांस बुकिंग 16 दिसंबर यानी शनिवार से शुरू कर दी जाएगी, जबकि कुछ जगह पर शुक्रवार यानी 15 दिसंबर से बुकिंग शुरू हो रही है। हालांकि शाहरुख खान की फिल्म डंकी की आधिकारिक तौर पर 16 दिसंबर से ही एडवांस बुकिंग चालू होगी। शाहरुख खान की फिल्म डंकी के डायरेक्शन की जिम्मेदारी राजकुमार हिरानी के कंधों पर है। ये पहला मौका है जब शाहरुख खान डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म में काम कर रहे हैं। नंबर 5, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर का पहला गाना शेर खुल गए रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में दोनों स्टार्स की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। फिल्म फाइटर का पहला गाना शेर खुल गए 15 दिसंबर यानी शुक्रवार को रिलीज किया गया है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का ये गाना पार्टियों में खूब बजने वाला है। इस गाने में दोनों स्टार्स की जबरदस्त डांस मूव्स और केमिस्ट्री ने डांस फ्लोर पर आग लगा दी है। कुल मिलाकर ये गाना सभी की प्लेलिस्ट पर राज कर रहा है। फाइटर के पहले गाने शेर खुल गए को विशाल और शेखर के साथ बेनी दयाल और शिल्पा राव अपनी आवाज दी है। नंबर 6, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी डंकी को लेकर फैंस के बीच भारी एक्साइटमेंट है। इस बीच खबर है कि किंग खान अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए बिग बॉस के सेट पर पहुंचेंगे। बता दें कि किंग खान इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। हालांकि पठान और जवान के साथ ही शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए स्ट्रेटजी में बदलाव कर दिया था। ऐसे में क्या शाहरुख खान दोस्त सलमान खान के शो बिग बॉस 17 के लिए अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करेंगे, फिलहाल ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो ऐसी खबरें सामने आ रही है कि शाहरुख डंकी के प्रमोशन के लिए बिग बॉस सीजन 17 में जा सकते हैं। नंबर 7, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद से फिल्मों से दूरी बना रखी है, मगर अब एक्टर को लेकर खबरें आ रही है कि वो जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान इस बार डायरेक्टर RS प्रसन्ना के साथ काम करने वाले हैं। एक्टर फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2023 से शुरू करने वाले हैं। पहला शेड्यूल मुंबई में होगा और सेकेंड शेड्यूल आउट स्टेशन लोकेशन पर होने वाला है। आमिर खान के इस प्रोजेक्ट को लेकर काम तेजी से चलाया जा रहा है। फिल्म की टीम प्री प्रोडक्शन का काम पूरी करने में लगी हुई है, ताकि 29 जनवरी तक फिल्म स्टोर पर आ सके और काम जोरों शोरों से चलता रहे। नंबर 8, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर के टीजर के रिलीज के बाद से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। दूसरी तरफ एक्ट्रेस पूजा अर्चना के लिए भगवान वेंकटेश्वर के दर पहुंची है। जी हां, गुरुवार की शाम एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी बहन अनिशा पादुकोण के साथ तिरुमला पहुंची थी, जहां से उनके कई सारे वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण को वीडियो में कैजुअल ऑल ब्लैक लुक में देखा जा सकता है। वहीं दीपिका पादुकोण के साथ उनकी बहन अनिशा ऑरेंज कलर की स्वेटशर्ट और ब्लैक पैंट कैरी करते हुए दिखाई दे रही है। नंबर 9,
14 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती होने के बाद एक्टर श्रेयस तलपड़े की हालत अब स्थिर है। उनकी पत्नी दीप्ति ने उनके स्वास्थ्य के बारे में आधिकारिक बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। श्रेयस तलपड़े की पत्नी दीप्ति ने अपने पोस्ट में लिखा, डियर फ्रेंड्स एंड मीडिया, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर योर ग्रेट कंसर्न एंड गुड विशेज फॉलोइंग माई हस्बैंड्स रिसेंट हेल्थ डिटेरियोरेशन। आई एम रिलीव टू से दैट ही इज नाउ स्टेबल एंड विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल इन अ फ्यू डेज। द एक्सेप्शनल केयर एंड टाइमली रिस्पॉन्स ऑफ द मेडिकल टीम ड्यूरिंग दिस टाइम हैज प्लेड अ वाइटल रोल एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर देयर एक्सपर्टाइज। नंबर 10। वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी और स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों के लिए पहली वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में विवेक ओबेरॉय और शिल्पा शेट्टी भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। इसका प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को प्राइम वीडियो इंडिया पर होने वाला है, लेकिन इससे पहले कल यानी कि 16 दिसंबर को सीरीज की पहली झलक फैंस को देखने को मिल जाएगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर इस वेब सीरीज का नया पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वेब सीरीज का टीजर कल यानी कि 16 दिसंबर को रिलीज होगा। नंबर 11। कार्तिक आर्यन ने अपनी अपकमिंग फिल्म का एक शेड्यूल पूरा होने के बाद कास्ट एंड क्रू के साथ जमकर सेलिब्रेट किया है। ढोल और रंग के साथ चंदु चैंपियन की पूरी टीम मस्ती करती नजर आई है। कार्तिक आर्यन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी सेशन में कई सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं, जिसमें ढोल नगाड़ों पर कई लोग नाचते और जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्तिक ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, हमने ऐसे वाई शेड्यूल रैप को सेलिब्रेट किया, शेड्यूल खत्म हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। नंबर 12। एक्टर सदाशिव अमरापुरकर के 4 फ्लैट्स में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि उस समय घर के अंदर कई लोग मौजूद थे, जो आग लगने की खबर मिलते ही तुरंत भाग गए, लेकिन एक महिला अंदर ही फंसी रह गई। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई और बड़ा हादसा होने से पहले ही मुसीबत को टाल दिया गया। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां आई, तब तक एक महिला फ्लैट के अंदर ही फंसी हुई थी। महिला को हल्की चोट आई है, हालांकि उन्हें बचा लिया गया, उनका रेस्क्यू कर लिया गया। नंबर 13। साउथ फिल्म अदाकारा मृणाल ठाकुर ने हाल ही में अपनी हालिया रिलीज मूवी हाय नाना के प्रमोशन के लिए अमेरिका का रुख किया था, जहां उनकी मुलाकात हैरी पॉटर का आइकॉनिक रोल निभाने वाले फिल्म स्टार डेनियल रेडक्लिफ से हुई, जिसके बाद एक्ट्रेस का ये पल फैन गर्ल मूवमेंट बन गया और ये पिक्चर उनकी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लग गई। इस तस्वीर को शेयर करते हुए मृणाल ठाकुर ने लिखा था, वी लव यू डेनियल रेडक्लिफ। नंबर 14। 2 दिसंबर को टी सीरीज के जरिए रिलीज किया गया सोनू निगम का लेटेस्ट गाना सुन जरा विवादों में आ गया है। पाकिस्तानी सिंगर उमर नदीम ने दावा किया है कि ये गाना उनके गाए ए खुदा की नकल है, जो साल 2009 में रिलीज हुआ था। इन आरोपों के जवाब में सोनू निगम ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने न सिर्फ दावों को स्वीकार किया है, बल्कि सिंगर से माफी भी मांगी है। उन्होंने लिखा, आप सभी जानते हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे केआर के यानी कि कमाल आर खान ने गाना करने का अनुरोध किया था, जो दुबई में मेरे पड़ोसी हैं, और फिर मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। हालांकि मैं हर किसी के लिए नहीं गाता। बॉलीवुड फिल्म स्टार बॉबी देओल ने अपनी हालिया रिलीज मूवी एनिमल में रणबीर कपूर के साथ हुए किसिंग सीन के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इस मूवी में दोनों सितारों के बीच एक किसिंग सीन था, जो नेटफ्लिक्स वर्जन में दिखाया जाएगा। बॉबी देओल ने बताया, तो यहाँ ये दो भाई थे जो एक दूसरे को मार देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही दोनों में एक दूसरे को लेकर प्यार भी है। मैं एक क्लाइमेक्स सीन शूट करता हूँ जिसमें बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा है जो प्यार को लेकर है। तो उन्होंने यानी डायरेक्टर ने कहा, आप लड़ रहे हैं और आप अचानक एक दूसरे को किस करते हैं और फिर आप नहीं छोड़ते, बाद में वो आपको मार देता है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।